बीजेपी में योगी का तगड़ा भौकाल, यूपी में नहीं हुआ कोई बदलाव, बीजेपी की पहली लिस्ट ने कर दिया साबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। शनिवार शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसी के साथ 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। लिस्ट में ये साफ हो गया कि किसे किसे इस बार टिकट मिला है और किस किस का पत्ता कटा है। हालांकि ये तो सिर्फ पहली लिस्ट है, अभी बहुत कुछ फाइनल होना बाकी है। इस लिस्ट में वैसे तो कई राज्यों की कई सीटों का ऐलान हुआ, लेकिन सबकी दिलचस्पी यूपी की सीटों पर बनी रही, बननी लाजमी थी। वो कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 51 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 51 सीटों पर सामने आए नामों को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर सीएम योगी के भौकाल की बात हो रही है। प्रदेश की जनता कह रही है कि यही है बीजेपी में योगी का कद, जिसका लोहा मोदी भी मानते हैं। सोचिए, अलग अलग राज्यों की कई सीटों पर बड़े बड़े नेताओं का पत्ता कटा, लेकिन यूपी में जिन 51 सीटों का ऐलान हुआ उनमें से 4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 47 पर एज इट इज रिपीट कर दिया गया। सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि बीजेपी इस बार यूपी में बहुत बड़ा बदलाव करेगी, लेकिन फिलहाल 47 सीटों पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इसके ठीक उलट इस लिस्ट में तो उन्हीं नाम को रिपीट कर दिया गया। साल 2019 के मुकाबले देखें तो बीजेपी ने पहली लिस्ट में लगभग 100% पुराने लेकिन जिताऊ चेहरों को उतारा है। लेकिन हाँ, जो प्रत्याशी हारे थे उन्हें इस बार रिप्लेस कर दिया गया, और ऐसा सिर्फ 4 सीटों पर हुआ है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उतारा गया है, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से नरेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा और नगीना से ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए अब आपको बाकी 47 सीटों पर फिर से रिपीट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट भी दिखा देते हैं। कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, रामपुर से घनश्याम लोधी, संबल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, एटा से राजवीर सिंह, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर, खीरी से अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा से श्रीमती रेखा शर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, फरुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से रामशंकर कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा से आर के सिंह पाटिल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर का जिक्र कर ही चुके हैं, श्रावस्ती का जिक्र कर चुके हैं, गोंडा से कीर्तिवर्धन उर्फ राजा भैया, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बासगांव से कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, सलेमपुर से रविन्द्र कुशवाहा, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे,